नमस्कार दोस्तों, गेहूं बाजार में तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और जैसा कि हमने कहा था कि बाजार में एकदम से तेजी नहीं बनेगी और धीरे धीरे बाजार बढ़ता रहेगा, ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिनों में गेहूं के भाव 80 से 100 रुपए पर क्विंटल तक मजबूत हो चुके हैं। अब इस साल गेहूं की आवक और गेहूं की सरकारी खरीद दोनों ही पिछले साल के मुकाबले पीछे चल रही है, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने अब शनिवार और रविवार को भी गेहूं खरीद को जारी रखने को कहा है। अब लगातार धीरे धीरे बढ़ती गेहूं की कीमतों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही दिल्ली में गेहूं के भाव 2500 से 2600 की रेंज में चले जाएंगे। पर क्या गेहूं 3000 रुपए पर क्विंटल से ऊपर जाएगा? अगर हाँ तो कब तक? चलिए आज की वीडियो में इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं गेहूं बाजार आने वाले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसा बनने की उम्मीद है। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हम सभी मेजर मंडियों में गेहूं की कीमतों में बन रही तेजी को स्टेट वाइज समझेंगे और जानेंगे आवक और डिमांड का मंडियों में कैसा प्रेशर बन रहा है। दोस्तों, पिछले हफ्ते दिल्ली में गेहूं सोमवार को 2450 की रेंज पे खुला और शनिवार को ये 2480 की रेंज पे बंद हुआ। पिछले पूरे हफ्ते में दिल्ली में गेहूं के भाव 20 से 30 रुपए पर क्विंटल से मजबूत बने हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां हर दिन गेहूं की कीमतों में बढ़त जारी है और कीमतों में पिछले हफ्ते 20 से 30 रुपए पर क्विंटल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में इस बार डिमांड काफी सही बनी हुई है, जिससे अभी कीमतें आगे और तेज रहने की उम्मीद की जा रही है। अगर गुजरात की बात करें तो वहां भी पिछले हफ्ते कीमतों में तेजी बनती हुई दिखी है और बढ़ती खरीद के चलते कीमतों में 30 रुपए पर क्विंटल तक की तेजी बनी हुई है। कोलकाता बाजार में भी पिछले हफ्ते 25 से 50 रुपए पर क्विंटल की तेजी रही। साउदर्न लाइन की बात करें तो वहां बेंगलोर में भी कीमतें 50 रुपए पर क्विंटल से मजबूत बनती हुई देखी गई हैं। अब गेहूं की कीमतों में बनती बढ़त के मेन रीजंस हैं बढ़ती डिमांड, बढ़ती खरीद और आवक में दिख रही कमी। अब इस आवक में दिख रही कमी और कंजम्पशन डिमांड को देखते हुए गेहूं के लॉन्ग टर्म में तेजी की उम्मीद बनती हुई दिख रही है। गेहूं की सरकारी खरीद और नए गेहूं की आवक पिछले साल के मुकाबले पीछे चल रही है, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने अब शनिवार और रविवार को भी सरकारी खरीद को जारी रखने को कहा है। इस साल अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद 150 लाख टन तक पूरी होने की खबरें हैं। अब गेहूं की आवक और सरकारी खरीद पे एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर निकाला है, इसे इस वीडियो के बाद जाके आप जरूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर ओवरऑल यहां से गेहूं के आने वाले दिनों को समझने की कोशिश करें तो आवक में कमी और बढ़ती डिमांड को देखते हुए गेहूं में आगे लंबी तेजी का अनुमान लग रहा है। पिछले हफ्ते गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़त जारी रही, खासकर उत्तर प्रदेश में। अभी यहां से आने वाले दिनों में खासकर शॉर्ट टर्म में गेहूं के भाव धीरे धीरे ऊपर की ओर ही बनते रहेंगे और दिल्ली में जल्द ही कीमतें 25 से 2600 की रेंज में देखने को मिलेंगी। ट्रेडर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी अनुमान है कि लॉन्ग टर्म में गेहूं की कीमतें 3000 से ऊपर भी जा सकती हैं। अब गवर्नमेंट का आगे क्या हस्तक्षेप रहता है और इस साल गवर्नमेंट क्या कुछ नई स्कीम्स लेके बाजार में आती है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। फिलहाल में बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है और आगे बाजार 3000 तक कब तक जाएगा, इस पे आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे ऑफ बिजनेस मंडी चैनल को। गेहूं बाजार की ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप अपने फोन पे भी देख सकते हैं, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए ऑफ बिजनेस मंडी ऐप को। इसका डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसे आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग के प्यार भरे कमेंट्स के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।